हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम मटन और मेथी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1/4 केजी मटन लिया है। इसे अच्छे से धोकर रख लिया है। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, एक बड़ा चम्मच। अब मैं उसमें ऑनियन डालूंगी, छोटी से कट की हुई एक ऑनियन मैंने उसमें डाल दी है। इसे थोड़ा सा हम अच्छे से भून लेंगे, बहुत लाल नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी थोड़ा सा भून चुकी है, अब हम उसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे, इसकी कच्ची स्मेल जाने तक भूनेंगे। अच्छे से भून चुका है, अब हम उसमें मटन डाल देंगे। मटन को भी अच्छे से हम भून लेंगे, इसका पानी सूखने तक हमें थोड़ा सा इसे भून लेना है। देखिए मटन हमारा अच्छे से भून चुका है, इसका पानी भी सूख गया है। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे मटन का सारा पानी सूख गया है, मैं अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा, आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है। हमारा मटन बहुत सॉफ्ट है तो हमें इसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे लीड लगाकर 2 विजिल आने तक रखूँगी। मैंने फ्लेम को हाई रखा है, 2 विजिल हो चुकी हैं, मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया था, इसकी सारी हवा जा चुकी है। अब मैं इसे चेक कर लूँगी, सारा इसका पानी सूख गया, देखिए करेक्ट हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को ऑन कर अब हम उसमें छोटे छोटे से कटे हुए 2 टमाटर मैं इसमें डालूँगी और अच्छे से इसे चला लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए फिर हम उसमें मेथी की जो सब्जी है वो डालेंगे। 1 कटोरी मेथी है, इसे मैंने छोटा छोटा ऐसे कट कर लिया है, डंडियों के साथ है ये, और मैं इसे अच्छे से 3-4 बार पानी से धो चुकी हूँ, वो इसमें डाल लूंगी। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें भाजी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बाउल मैंने भाजी ली है, आप जितनी चाहे डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। और 2 आलू मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, इतने छोटे, हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में वो सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये अच्छे से पक रही है, मैं फ्लेम को लो कर लूँगी और ढाँक कर कुछ देर तक लो फ्लेम पर, जब तक आलू और भाजी का पानी सारा सूख जाता है तब तक हम उसे पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे, देखेंगे सारा हमारा जो आलू हमने डाले हैं वो गले है या नहीं। अच्छे से मैंने एक बार मिक्स कर लिया है और हम आलू को ऐसे तोड़ कर चेक करेंगे। देखिए अच्छे से आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें और थोड़ा सा पानी बाकी है, आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं या इसका पानी थोड़ा सा सुखा सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। मेथी की भाजी की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई भी आपको स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, यही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो हम थोड़ा सा इसे और भून लेंगे, बस हमारी भाजी रेडी हो जाएगी। देखिए अच्छे से रेडी हो चुकी है, आप इसे पराठे, राइस और किसी भी नान वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं अब फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और डिश आउट कर लूँगी।
लीजिए, हमारी आलू मेथी की और मटन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत आसानी से बनी है और सिंपल इंग्रेडिएंट से। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।